Now in today's class we'll proceed with our NCERT important question series part 3. NCERT important question series part 3. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका चैप्टर 14 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो नंबर लॉक कितने व्हील्स है, 4. जैसे देखा ना आपने ऐसी तरह से व्हील, जैसे कि मान लो ये व्हील 1 है, ये व्हील 2 है, ये व्हील 3 है और ये व्हील 4 है. एक नंबर लॉक है जिसमें कितने व्हील्स है, 4 व्हील्स है. Is labeled with a 10 digit. 10 digit क्या है? 0 से लेके 9 तक. यानी कि आपको एक आ जा रहा है यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, इसी तरह से इस व्हील में भी 0 से लेके 9 तक और यहाँ पे भी, यानी कि सभी व्हील्स में 10 digits हैं टोटल. सभी व्हील्स में क्या है, 10 डिजिट. जैसे जैसे आप रोटेट करते जाओगे डिजिट चेंज होती जाएगी. आपने देखा होगा सूटकेस में जो होता है, सॉरी. द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट. विद नो रिपीट यानी कि यहाँ पे रिपीटिशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि रिपीटिशन नहीं है. यानी कि सारी की सारी जो डिजिट्स है वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी. अगर यहाँ 0 आ गया फिर यहाँ 0 नहीं आ सकता. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि इस लॉक को खोलने का फेवरेबल आउटकम जो होगा वो कितने होंगे, बताओ जी. 1, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल वो है आपका 9541. ये लॉक है 9541. यानी कि फर्स्ट व्हील में 9 होना चाहिए, सेकंड में 5 होना चाहिए, 4 और 1 तभी ये लॉक खुल सकता है. सॉरी, तभी ये लॉक आपका खुल सकता है. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि यहाँ पर आप कितने ऐसे लॉक 4 डिजिट के मतलब नंबर बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो क्या कहोगे, यहाँ रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो या तो आप इसमें देखो करने के दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली कहो 10p4 और बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर आप करते हो तो फर्स्ट व्हील में 10 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है. अब जो डिजिट यहाँ की वो रिपीट तो हो नहीं सकती, तो सेकंड प्लेस में यानी कि सेकंड व्हील में 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, थर्ड प्लेस में बाकी की जो डिजिट बचती है वहां से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, और लास्ट प्लेस में बाकी की जो डिजिट बची है उसमें से कोई भी एक डिजिट हो सकती है. तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल. और अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 10 9 8 7. इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा जी, 6 फैक्टोरियल. और यहां भी यही है आपका 10 9 8 7. तो देखो दोनों सेम वैल्यू है, सॉल्व करके क्या आएगा, 5040. इसका मतलब ये हुआ विद द गिवन कंडीशन हम 4 डिजिट के ऐसे 5040 नंबर बना सकते हैं. लेकिन क्या सभी से लॉक खुल जाएगा, लॉक खुलने का तो एक ही नंबर है वो ये वाला सीक्वेंस 9541. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस. तो required probability to open suitcase, या required probability of getting the sequence कितनी डिजिट का सीक्वेंस होगा, of 4 digits to open suitcase. तो क्या होगा जी, फेवरेबल आउटकम कितना, ये एक ही होगा वो तो जो हमारे फेवर में, और टोटल कितना, 5040. तो इस सूटकेस को ओपन करने की जो प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन कंडीशन वो क्या है आपकी, 1/5040. क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका चैप्टर 13 का क्वेश्चन है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का.
और ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जांपल थ्री है, तो यानी कि लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका, आपको इवेल्युएट करना है, क्या करना है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स रेस टू पावर 15 माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू पावर 10 माइनस वन। अब यहां पे कंसेप्ट यूज करोगे, वो कंसेप्ट क्या है आपका, यूजिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन एक्स माइनस ए, किसके इक्वल होता था, एन ए रेस टू पावर एन माइनस वन। माइनस वन दिखाई दे रहा है, तो आप इसको इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको तब भी यही बताया था किसकी कर, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब यहां आपको क्या गिवन हो माइनस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो देखो जी, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, मैं इसको क्या ले सकता हूं, एक्स रेस टू पावर 15 माइनस ए रेस टू पावर एन, तो वन को भी मैं ले सकता हूं वन रेस टू पावर 15 अपॉन में क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए, तो ये हो गया एक्स माइनस वन, लिख सकता हूं। अच्छा आगे देखो, इसको मैं क्या ले सकता हूं, एक्स रेस टू पावर 10 माइनस वन रेस टू पावर 10, इसको भी मैं क्या ले सकता हूं, एक्स माइनस वन, इसको भी क्या ले सकता हूं, एक्स माइनस वन। और लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रही है आपकी, वन को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। इसमें कोई डाउट है क्या, ये और ये वैल्यू सेम नहीं है भाई, एक्स माइनस वन से तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। अब देखो, तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये क्या बन गया आपका, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है और ये पूरा इस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसी फॉर्म में आ गया आपका, तो अब लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये पूरी वैल्यू अगर इसी फॉर्म में आ चुकी है, तो अब ये किसके इक्वल होता है, एन ए रेस टू पावर एन माइनस वन। अब इसको देखो, एन एन क्या आपका 15, ए ए क्या आपका 1, रेस टू पावर एन माइनस वन, ये एन है, तो 15 माइनस वन कितना 14, कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया। अपॉन में भी देखो, फिर एन एन क्या आपका 10, ए ए आपका क्या है 1, जिसको x अप्रोच कर रहा है वो ये होता है, रेस टू पावर n माइनस वन, 10 माइनस वन क्या हो गया 9, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 15 बाय 10, दैट इज 53 जा 15, 52 जा 10, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो रूट वन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड निकलते हैं, एक तो यही कि आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ, पर डायरेक्टली ला सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स किसको अप्रोच करता है ए, और यहां पर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो पहले आपको यहां पर सब्सिट्यूट करना होगा। कैसे करोगे, आप लिखोगे पुट वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई, तो मुझे पता होगा वन प्लस एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या y माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या y माइनस वन। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, अब देखो अगर 1 प्लस एक्स y को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस एक्स किसको अप्रोच कर रहा है y को, तो यहां पर x किसको अप्रोच कर रहा है जीरो, तो अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं, पुट x इक्वल टू जीरो, तो आप एग्री करते हो तो y इक्वल टू वन हो जाएगा, y इक्वल टू वन। इसका मतलब ये है कि जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको कर रहा है वन को, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज लिमिट y अप्रोचेस टू वन, इट कैन बी रिटन एज लिमिट y अप्रोचेस टू वन। इतनी कहानी क्लियर है, ज्यादा समझ आ रही है बात, ठीक है। रूट वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स क्या हो गया रूट वाई माइनस वन अपॉन, और x की जगह क्या आ जाएगा y माइनस वन। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मैं इसको क्या ले सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू वन रूट वाई वाई रेस टू पावर वन बाय टू माइनस a रेस टू पावर भी n होता है ना, तो मैं ले सकता हूं वन रेस टू पावर वन बाय टू अपॉन में क्या होता है x माइनस a, तो अपॉन में y माइनस वन ही तो है, तो ये अगेन इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट आ गया इस फॉर्म में, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ये n, n क्या है आपका 1 बाय टू, a 1, n माइनस 1 1 बाय टू माइनस 1, तो ये हो गया 1 बाय टू, 1 रेस टू पावर माइनस 1 बाय टू, 1 की पावर माइनस 1 बाय टू भी होगा तो भी क्या कहोगे 1, 1 की पावर कुछ भी 1, तो बेसिकली जो आपका आंसर है वो क्या है 1 बाय टू, 1 बाय टू, चाहो तो आप इसको 1 बाय 1 लिखो, डजेंट मैटर, ये आपका आएगा क्या 1 बाय टू। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा 1 बाय टू, और फर्स्ट का क्या आएगा आपका जो भी आए 3 बाय टू। अब दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, पहले बताओ ये क्लियर हो गया ठीक है। दूसरा मेथड जो है इसको करने का वो क्या है कि आप इसको क्या कर सकते हो रैशनलाइज, मेथड टू। तो मेथड टू क्या है आपका, आप इसको रैशनलाइज कर दो, कैसे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, रैशनलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इन टू, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा कर क्यों रहे हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जीरो पुट करते हो तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स विद इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, कोई डाउट है तो बताओ जी, क्लियर है ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा एक्स रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1, यहां तक क्लियर है ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो व्हाट वी विल हैव नाउ, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमरेटर में क्या होगा एक्स अपॉन एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब अप्लाई कर दो लिमिट, एक्स की जगह 0 आएगा तो ये 1, रूट 1 का मतलब 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द सेकंड मेथड टू डू सच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री से है, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, उसका एग्जांपल 4 है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, आपको मिनट हैंड ऑफ ए वॉच का आधार है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो देखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो होती है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल है आपका 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, आपको कहा जा रहा है 40 मिनट्स में जो इसकी टिप मूव करेगी, तो बेसिकली आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है L, क्योंकि जो उसकी टिप मूव करेगी, मान लो उसकी टिप ऐसे मूव करेगी, तो ये जो है वो क्या है लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है, यानी कि जो आपसे पूछा हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, ये आपको क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। अब आपको पता है वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर, बट कंडीशन क्या है कि इसमें जो थीटा है आपका, ये जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए रेडियन में। नाउ वी नो दैट एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन वन रोटेशन कितना होता है जी 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट्स। अब वन रोटेशन का मतलब क्या है, दैट इज इन 60 मिनट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो, वन आवर का मतलब ये हो गया ना, वन रोटेशन का मतलब क्या हो गया, वन रोटेशन का मतलब हो गया वन आवर, और वन आवर का मतलब क्या हो गया 60 मिनट, एक रोटेशन मिनट एंड की जो होती है पूरे एक घंटे में होती है, तो वन आवर में 360 डिग्री का मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो वन मिनट में कितना बनेगा जी 360 बाय 60, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में बात हो रही है 40 मिनट्स की, तो इसका मतलब एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स
इन 40 मिनट, तो क्या हो जाएगा 6 into 40, ये आपका आ गया 240 डिग्री। लेकिन एज पर दिस कंडीशन मेरा थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। अब ये किस में आ रहा है, डिग्री में। अब आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। देयरफॉर 240 डिग्री क्या, 240 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, 240 इंटू पाई बाय 180 रेडियन होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24, 6 3 18, कितना हो गया 4π/3 रेडियन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, 4π/3 रेडियन, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी, तो अब आप क्या कहोगे, नाउ थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आपको क्या फाइंड करना है, एल तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू आर। अब थीटा कितना है आपका 4π/3 और आर कितना है 1.5, आर कितना है 1.5 और पाई की वैल्यू क्या है 3.14, हाँ पाई की जगह क्या है 3.14 इंटू क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो जी, ये तो हो गया 0.5, ये क्या हो गया 0.5, 4 5 जा कितना होगा 20, 4 5 जा 20 तो 2, तो ये हो गया 2 into 3.4, 4 5 जा 20 डेसिमल है तो 2 3.4, 2 4 जाए 2 1 जा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 6.28 सेंटीमीटर। यानी जो टिप है 40 मिनट्स में उसकी लेंथ ऑफ एन आर कितनी होगी 6.28 सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपका चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जांपल 16 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें 12, टोटल लेटर कितने हैं इसमें 12, तो इसमें टोटल जो आपके लेटर्स है वो है 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय यूजिंग ऑल लेटर्स, बाय यूजिंग ऑल लेटर्स, तो ये क्या होगा, सभी को देखो 12 लेटर्स 12 पोजीशंस पर मूव करेंगे तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल, हो गया ना। अब इसमें देखो रिपीटेड वर्ड कौन कौन से, इसमें जो ई है आपका 1 2 3 4, ई आपका 4 टाइम्स आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है 1 2, डी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, डी आपका कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, और एन कितनी बार आ रहा है 1 2 3, एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब जो अल्फाबेट रिपीट्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं ताकि रिपीटेड वर्ड ना आए, तो इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से, ये क्लियर हो गया। अब इसको कहां तक एक्सपेंड करोगे, 12 11 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया 2 into 1, 3 फैक्टोरियल हो गया 3 into 2 into 1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 4 से आपका 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब ये आपकी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 166 3 2 00, अब करने बाद बैठ जाना एग्जाम में, सिर्फ इतना करके छोड़ देना, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कहीं वहाँ पे भी लगे रहो, यही क्वेश्चन नहीं करना पेपर, ठीक है जी, ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद डू ऑल द फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, तो देखो जी पार्ट वन वर्ड्स स्टार्ट विद पी, तो ये तो कंडीशन हो गई। अब आपका एक अल्फाबेट फिक्स हो गया है कि स्टार्टिंग पी से ही होनी चाहिए, पी को छोड़ के 11 लेटर तो बचते हैं जो 11 पोजीशन पे मूव करेंगे, तो अब कितना होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस केस के हिसाब से,
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ई को फिक्स कर दिया, बाकी 11 वर्ड्स 11 पोजीशन पे मूव करेंगे। अगेन ई कितनी बार है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। डी कितनी बार है और एम कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करोगे तो कहां तक जाओगे, 11 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। अब 1 में क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। अगेन 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 जो है ही नहीं यहां पे। तुम तो बोलोगे नहीं, ठीक है। ये था 2 और ये कितना है, चलो जी 3 टू जा 3 टू जा 6 और 2 5 जा 10। इस चीज का तो बोला वो रहता है, ठीक है। 3 8 6 00 इज इट क्लियर, ठीक है। कितना फ्लो बन रहा है ना, 3 2 6 6 2। डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, डू ऑल द वोवल्स। अब इसमें वोवल्स कौन कौन से, देखो जी टोटल ये 12 है, लेकिन वोवल्स वाला पार्ट अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाता हूँ ब्लॉक्स, तो 1 देखो ई जो है 4 बार आ रहा है, एक तो वोवल यही हो गया 1 2 3 और 4, और वोवल क्या है यहाँ पर आई, और यहाँ पे वोवल क्या आई, यानी कि 12 में से 5 का तो ये ब्लॉक बन जाएगा आपका, 12 में से 5 का क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस केस में व्हेन ऑल वोवल्स अकर टूगेदर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अब किसके इक्वल होगा, भाई 12 में से 5 हटाओ, 7 और एक ब्लॉक 8, तो ये हो गया आपका 8 फैक्टोरियल। अब ये वाला केस तो छोड़ दो, क्योंकि वोवल्स का तो एक ब्लॉक बन चुका है, ये तो अब सारी पोजीशन पर रोटेट नहीं करेगा। ये दो बचते हैं, अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इन टू 5 वोवल्स, तो 5 फैक्टोरियल, 5 वोवल 5 पोजीशन पर रोटेट करेंगे। लेकिन इसमें भी आपका ई जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाला जो ये केस है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 6 6 3 2 0 0। और हाँ जी प्लस को प्लस जब ऑप्शन होती है, और इनटू का करते हैं जब हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, समझ आ गया। 8 से कहाँ तक जाओगे, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 3 तक कर देते हैं इसको, क्योंकि ये 5 वाला कहाँ तक जाएगा, 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल ये हो गया, ये भी कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, और इसको इक्वल टू 1 6 8 00। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट पार्ट इज डू द वोवल्स नेवर अकर टूगेदर, डू द वोवल्स नेवर अकर टूगेदर, वोवल्स नेवर अकर टूगेदर, क्या इसके लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं ना। इसमें क्या करोगे, इसका जो अरेंजमेंट होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस केस में वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यूजिंग ऑल लेटर्स, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, व्हेन ऑल वोवल्स अकर
टूगेदर। ये बात समझ में आ रही है? तो यूजिंग ऑल लेटर्स में क्या आ जाएगा आपका 166320 और ऑल वोवल्स अकर टुगेदर की वैल्यू कितनी आई थी 16800 इक्वल टू 164600। तो पार्ट थ्री भी हो गया। नाउ पार्ट फोर, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं जो आई से स्टार्ट होंगे और एंड पी से खत्म होंगे, तो ऐसे कितने वर्ड्स बन चुके हैं? तो कितने फिक्स हो गए? दो। तो बचे कितने? 10। 10 लेटर्स 10 पोजीशंस पे मूव करेंगे तो आप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ जी क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन ई 4 टाइम्स, डी 2 टाइम्स और एन जो है आपका वो 3 टाइम्स। इन तीनों में से तो कोई भी यूज में नहीं आया ना, वोवल्स वाले में था तो उसको हमने छोड़ दिया था। अब 10 को कहां था लेके जाओगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल। ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या होगा जी? 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और ये किसके इक्वल टू 12,600 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 और ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 9 यानी कि स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो दो केसेस है यहां पर, से दिस इज द ओरिजिन, केस टू ओरिजिन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है पी और सेकंड परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो आपकी क्या है क्यू। आपको क्या कहा जा रहा है पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन। ये जो लाइन है इसको हम ले लेते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, कॉन्स्टेंट को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इस केस में ये जो लाइन है यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस क्यू है आपका, वो जिस लाइन से, वो लाइन की इक्वेशन क्या है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा, कॉन्स्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ तो माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस 1 और इसको हम ले लेते हैं केस 2। अब आपको प्रूफ क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, आपको प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर जो है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं केस वन की बात करता हूं, फोर केस वन अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या है पी, तो यानी कि पी की वैल्यू इक्वल टू ए। देखो एक्स वन और वाई वन होता है ये पॉइंट जो यहां पर क्या है आपका ओरिजिन, चाहे आप इस केस में देखो चाहे आप इस केस में देखो, एक्स वन वाई वन तो ओरिजिन है। ए आपका क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए आपका क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो अगर आप यहां देखो तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस थीटा, इस केस में बी क्या होगा माइनस साइन थीटा और सी क्या होगा माइनस के कॉस टू थीटा। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहां पर ए क्या होगा सेक थीटा, बी क्या होगा कॉस थीटा और कॉन्स्टेंट क्या होगा आपका माइनस के। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो बताओ जी क्या वैल्यू आएगी, ए एक्स वन तो ए इंटू जीरो यानी कि कॉस थीटा इंटू जीरो, बी बी क्या आपका माइनस साइन थीटा
वाई वन भी क्या है जीरो, और k की जगह क्या आ जाएगा माइनस के कॉस टू थीटा। एक चीज का ध्यान रखना, सारी वैल्यूज जो है आपकी वो लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू में क्या रखोगे जीरो अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो वन, ये सारा जीरो, तो बेसिकली जो आपका p है वो क्या आ रहा है मॉडुलस ऑफ माइनस के कॉस टू थीटा, जिसको आप क्या कहोगे के कॉस टू थीटा। तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई के कॉस टू थीटा। कितनी बार समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया ठीक है। अब इसी तरह से किसकी वैल्यू निकालोगे q की, यानी कि केस टू आ जाएगा। अब केस टू देखो, अब डिस्टेंस क्या हो गया q, डिस्टेंस क्या हो गया q इक्वल टू a, a क्या है आपका sec थीटा इंटू एक्स वन जीरो प्लस b, b क्या है आपका cos थीटा इंटू वाई वन जीरो देन प्लस c, c की जगह क्या आ जाएगा माइनस k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक है तो यहां पर क्या आएगा आपका कॉसेक थीटा, तो यहां पर भी क्या होगा आपका कॉसेक थीटा, और यहां पर भी क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया ठीक है जी। अब ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बेसिकली जो आपका q है वो किसके इक्वल आ गया आपका मॉडुलस ऑफ माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, को आप क्या लिख सकते हो वन बाय, और cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे वन बाय sin स्क्वायर थीटा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस q का मॉडुलस तो हो गया k, इसको सॉल्व करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा k, देखो ये 1, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जो k है q है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई k स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर, तो आपके पास p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई ठीक है। अब आपको जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर। तो p क्या है आपका k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस 4 q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू लिख देता हूं k sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये भी क्या हो गया आपका k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, यहां देखो k स्क्वायर, अगर मैं k स्क्वायर को छोड़ देता हूं विद इन ब्रैकेट, इसको मैं ले सकता हूं 2 और साइन स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर होता है साइन थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर होता है कॉस थीटा का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये हो गया आपका इट इज इक्वल टू k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये हो गया sin 2 थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया sin स्क्वायर 2 थीटा, तो k स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल टू k स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.